हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जा रहा हूँ टोरंटो फिर से। आज की डेस्टिनेशन दो है। सबसे पहले तो टोरंटो लाइब्रेरी में जॉब फेयर होने जा रहा है, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा, देखूँगा कि किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए मेरा रिज्यूमे मैच करता है एंड एवरीथिंग। और दूसरी जगह जो है अभी तक डिसाइडेड नहीं है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरे 25 मिनट की बस राइड के बाद अब मैं सबवे में जाऊंगा, तो या 5 मिनट वेट करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहाँ पे कि सैटरडे संडे को पब्लिक सर्विस हमेशा स्लो रहती है, तो उस करके बहुत टाइम लग रहा है। फाइनली ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद अब मैं उतर गया हूँ अपने स्टॉप पे और बाहर जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था सैटरडे संडे इट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी है, बट हाँ बाहर जाते हैं। अभी हमें एक और ट्रेन एक्चुअली उसमें जाना है जिसे यहाँ पे सबवे बोलते हैं। और शिट, लोग देखो कितने ज़्यादा है। सैटरडे संडे को ट्रेन्स कम होती हैं, तो उसी चक्कर में रश बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फाइनली मैं आ गया हूँ अपने स्टॉप पे जहाँ पे मुझे पहुँचना था। अब यहाँ पे काम है ढूंढने का टोरंटो लाइब्रेरी। आज टोरंटो में बड़ी शांति है, मौसम अच्छा है। तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो तो इवेंट की टाइमिंग्स अब हो चुके हैं। हाँ, मुझे सांस चढ़ गया सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो यहाँ पे हीटर ऑन होते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के बंदा वैसे ही थक जाता है। बट या टू द पॉइंट, वो जो है जिस काम के लिए मैं आया था वो बंद हो गया। एंड देखता हूँ थोड़ी देर लाइब्रेरी में अगर कुछ आर्ट्स के रिलेटेड कुछ पढ़ने को मिलता है तो। हाँ, लेट मी शो यू द व्यू हियर। And this is huge. See, this is whole library, and we are at the top. Bathroom shot? Why not? Bathroom shot कैसे नहीं मिलेगा? Because मैं बाहर ज़्यादा चल से बात नहीं कर सकता हूँ. So let's see और क्या मिलता है हमें. देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ लूँ यहाँ बैठ के, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए मैं आया था वो तो फुलफिल हुआ नहीं। तो या एंड यहाँ पे पियानो रूम की बुकिंग हो जाती है 4:30 मिनट्स, तो अगर मैं वो कर सकता हूँ उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड चाहिए। सो अगर वो टाइम से पहले बन जाएगा तो आई विल गो देयर, बट इफ़ नॉट देन श्योर देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। ओके, तो पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं। मुझे यहाँ पर क्या मिला, क्लासिकल रिकॉर्ड इंडियन म्यूज़िक, और इसके साथ ये प्रॉपर ओल्ड स्कूल टेप। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 80s बॉर्न हूँ। और इसको हम यहाँ से प्लग करेंगे। वी हैव अ रेगुलर हेडफोन्स एंड ऑल हैव टू डू इज जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, so that's the city player. Just press. और ये अपने आप जो है उस साइड आ जाएगा। सी ओके, तो जो नेक्स्ट ट्रैक मैंने उठाया वो है सोनी महिवाल। एंड माय गॉड, दिस इज ओल्ड, दिस इज वेरी ओल्ड। तुरदी डोली देख के महिवाल ने मारी था, मेरी सारी दुनिया अपनी नी, तू जा अपने घर जा। मेरा जिन्ना झूठे वादिया ते जीवन गुजर गया, हुण सच्चा झूठा जीण लई कोई वादा ही नहीं रहा। I mean, that was a heck of an experience. I mean, you saw I've had goosebumps. वो सुनते हुए तो मैं, I mean that's enough, है ना? कि it's really amazing कि इतना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो कि if I'm not wrong 70s 80s का होगा, वो डाउनटाउन टोरंटो की मेन लाइब्रेरी में जस्ट ओवर रिक्वेस्ट मिल रहा है, ऑल फॉर फ्री, और वो भी पुराने रिकॉर्ड में सुनने के लिए। That was amazing. Can you imagine? And yeah, we are not done yet. So I'm fond of piano. Although मुझे बजाना नहीं आता, मुझे एक भी नोट नहीं पता है. I can just pluck couple of strings of guitar. So अभी मैंने ये piano room book करा है. Just to see what I can do. I mean, it's a great experience, right? Why not? When you can get it for free as a public resource, then why not? This is it. And ये पुराने artwork mentions हैं यहाँ पे. Oh my God, this is amazing. I mean, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे सोनी महिवाल मिलेगा यहाँ पे, although I'm quite familiar with the story, but वो old folk में जो real voice थी उसमें सुना, it's like a whole another level. तो मैंने यहाँ पे piano room book करा है, I'm very fond of piano जैसे मैंने आपको बताया, तो it's free of cost, तो obviously क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए। मैं हमेशा से चाहता था कभी piano play करना, बट देन अगेन ऑब्वियसली पियानो बहुत महंगे होते हैं, तो हम आ गए हैं हमारे फेवरेट कोच के ऊपर। हमने अपने फेवरेट कोच बुला लिए हैं एक्चुअली, जो कि है यूट्यूब, और हम प्ले करेंगे बिथोरन विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू द इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिस्ट। आई एम न्यू हियर, आई डोंट नो नथिंग, और ऑब्वियसली आप इसको सुन भी नहीं पाओगे, सो जस्ट वॉच इट टू इट। तो इतना प्यार बहुत आज के लिए, और दिस इज रियली रियली वेरी हार्ड, आई एम टेलिंग यू। सो यार 30 मिनट्स का सेशन हमने यूटिलाइज कर लिया, सो इट्स टाइम टू लीव। सो यार लेट्स सी आगे क्या है हमारे लिए। टोरंटो लाइब्रेरी वॉज फन, आई मीन इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो सेकंड जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे टोरंटो ब्राउन लिखा होता है, और हाँ अभी फिर से हम वहाँ सबवे जाएंगे, और 1-2 ही स्टॉप है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पहुँचने में। सो ये बिल्डिंग जो है मुझे ही हॉगवर्ट्स की याद दिला रही है, कि आपको भी हॉगवर्ट्स की याद दिला रही है। बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन 50 बिल्डिंग पे एटलीस्ट। अमित मेरा पर्सनल कैमरामैन, इसने आज के ब्लॉग में भी काफ़ी शॉट लिए। तो या ये है सिटी राइड जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, मैं इसमें बैठा था, तो इसमें बैठ के बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं थोड़ा नीचे से टिल्ट करके शॉट लूँ या थोड़ा ऊपर करके, जहाँ हमने जाना था वहाँ पे हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ा सिटी व्यूज़ एंजॉय करेंगे हम आज फिर। तो हम आगे हैं यहाँ। अमित ने मुझे दिखाया TCS का ऑफिस, टाटा। ये आई मीन ऑब्वियसली इतना क्लियर नहीं है बट या गेट दिया है। कुछ बोलना चाहोगे? अमित इज रियली कैमरा शाय, तो वो ज़्यादा अप फ्रंट काम नहीं करते। ओके, अमित कह रहा है हम अगर ऊपर जाके शॉट लेंगे इस सुंदर से एरिया का तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई नहीं, मैं अमित का शॉट ले लेता हूँ। अमित हीरो लग रहा है यार। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अभी हम जाएंगे, कुछ खाएंगे और उसके बाद घर को चलेंगे। ठंड हो रही है, थोड़ा जल्दी जाएंगे। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। यही था आज के ब्लॉग में टोरंटो लाइब्रेरी, और ये टोरंटो का मेन एरिया। अमित, क्या है ये? टोरंटो का टूरिस्ट अट्रैक्शन। हाँ, टोरंटो का टूरिस्ट अट्रैक्शन। टंग स्लिप होगी। टोरंटो का टूरिस्ट अट्रैक्शन। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।